और अभी जाके नीचे जाके देखते हैं कि आज वैसा है तो आज के दिन कौन सा भोजन मिलेगा। और भोकाल सा मौसम हो रखा है और भाई रात में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग केम जो मतलब मजामा फुल पावरफुल एंजॉय में सब कुशल मंगल, सब बढ़िया, सब एक नंबर होना चाहिए। बाकी आपको वैसाखी और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसाखी और नया वर्ष भी है हिंदू मैथोलॉजी और सिख मैथोलॉजी के अनुसार। आज से जो हमारा जो पुराने टाइम पे आज से हमारा क्या नया साल शुरू होता था, न्यू कैलेंडर शुरू होता था हमारे धर्म का, मतलब सिखिज्म एंड हिंदुज़म। तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरा काम खराब कर दिया, समझ गए, ये अंग्रेजों ने करा। तभी हम 1 जनवरी से न्यू ईयर बनाने लगे, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमारा जो असली न्यू ईयर है वो अप्रैल आज बैसाखी से शुरू होता है। पूछना अपने घर वालों को, बताओ न्यू कैलेंडर शुरू होता है तभी तो अप्रैल फुल, क्यों किसने बोला? हम मनाते थे अप्रैल से न्यू ईयर, कब से मनाते थे? अप्रैल से न्यू ईयर। तो अंग्रेज ने कहा अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अंग्रेजों ने अप्रैल फूल ही बना दिया। और फिर वो भी हम भी करते हैं जब 1 तारीख होती है अप्रैल की, अप्रैल फूल बनाते हैं। उसका पीछे की मैथोलॉजी नहीं बता रही कि क्या सिस्टम था, है ना, क्योंकि हमारा न्यू ईयर शुरू होता था तो अंग्रेज कहते थे ये है अप्रैल फूल ही है ये, तो भाई इस चक्कर में, है ना। तो भाई आज देखते क्या होता है। दोस्त कह रहे थे गुरुद्वारे जाएंगे मत्था टेकने, तो ज़रूर जाएंगे अगर वो चलेगा तो, है ना। तो बाकी देखते क्या क्या होता है आज पूरे दिन। बाकी आप इंजॉय लो बैसाखी के मज़े लो, जो है जो ये वीडियो तो आएगी कल वैसे, बट क्या बोलते हैं इंजॉय। हम भी देखते क्या क्या होता है, पंजाब में रह रहे तो बनाएंगे बैसाखी, देखते कैसे बनती है। जैसे भी बनेगी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, है ना, आपके साथ साझा जरूर करेंगे वो मोमेंट्स, वो अच्छे मोमेंट्स, चाहे वो बुरे हों, चाहे वो अच्छे मोमेंट्स हो, अच्छे मोमेंट्स होंगे क्योंकि वी लिव इन पंजाब। तो बढ़िया है, इंजॉय करो, ओके, टेक केयर। और भाई लोगों क्या हाल चाल है, मतलब फुल पावर। अभी टाइम हो रहा है 1:35, मैं अभी नहा के आया हूँ और अभी जाके नीचे जाके देखते हैं कि आज वैसा है तो आज के दिन कौन सा भोजन मिलेगा। सुबह तो परांठे थे प्याज के और अभी जाके देखते हैं कि क्या मिलेगा नीचे जाके, कौन सा लंच है आज, है ना। वैसे तो आज के दिन कढ़ी चावल होता है, अभी देखते हैं आज क्या पता वैसाखी है तो क्या पता बढ़िया कुछ भोजन मिल जाए, है ना, जिससे दिल खुश हो जाए। बाकी जाके देखते हैं नीचे, कुछ नहीं पता होता यार कॉलेज वालों कब कैसे दे दें, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कढ़ी चावल ही होगा, पर अभी नीचे जाके देखते हैं, है ना। तो अभी कोई नहीं गया हमारे रूम से खाने, अभी जा रहे हैं, बस अभी जाते हैं और क्या बोलते हैं बताते हैं आपको क्या क्या है नीचे, है ना। तो चलो ठीक है, सीधे मिलते हैं हम जाके क्या, हाँ मैस में। और हम यार पता क्या है, गुरुद्वारे नहीं गए क्योंकि जिस बंदे के साथ जाना वो मुझे 12 बजे कह रहा था, शरण भाई, जिसे देखते ही हो आप, शरण भाई के साथ। बाकी पता क्या है, सिस्टम हो गया था फिर यार, दिन दोपहर ही भगवान के दर पे जाना भी सही नहीं रहता। वैसे तो 24 घंटे खुला होता दर भगवान का, पर अपना जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कि 12 बजे से पहले पहले हो जाए दर्शन। हम उठे ही जाएंगे 12 बजे, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करें, थोड़ी देर मोबाइल चलाया फिर सो गए। तो भाई जहाँ बोरियत आती है ना जब कुछ काम नहीं होता, तब तो ऐसे ही होता, ठस ठस ही माहौल होता है। बाकी चलो ठीक है, मैच जाके मिलते हैं, ओके। वो कढ़ी है यार, कढ़ी चावल मटर की सब्जी, मामला हो गया खराब। कढ़ी चावल रोटी चावल, यही है भाई सिस्टम, कुछ नहीं है स्पेशल, खाओ पियो चुपचाप सो जाओ। हेलो, क्या हाल चाल है, मतलब फुल पावर ही होना चाहिए। बाकी हम अभी स्नैक्स करके आ गए हैं कैंपस के अंदर, भाई सरन भाई
रूम पर जा रखें, है ना, अपने रूम पर जाके लोवर डाल लें। और ये पीछे जो है ब्लॉक, ये है बी फार्मा होता है यहाँ पर, है ना, मतलब बी फार्मा, बायोटैक, ये टैक, वो जो मेडिकल रिलेटेड थिंग्स होते हैं। और बाकी आज हम गए ही नहीं गुरुद्वारे क्योंकि लेट हो गए थे। आगे अब थोड़ा मौसम अपने कंट्रोल में आया है तो बाहर घूम रहे हैं हम, थोड़ा मज़ा ले रहे हैं क्योंकि रूम के अंदर में चार दिवाली के अंदर आदमी मेंटल सा हो जाता है, उसका दिमाग ना काम करना बंद कर जाता है। तो बाहर आके टहलने में, नेचर में आके मज़ा आता है, है ना। तो ये ज़रूरी है, अपने घर से बाहर निकलो और थोड़ा टहलो वहलो। बाकी भाई आ रहे सही चल रहा, अभी घूमते फिरते थोड़ी टहलते, है ना, फिर आपको मिलते हैं आपको बाद में थोड़ी देर में जो भी अपडेट के साथ मिलता है। तो ठीक है, जो दो दिन घर पे ले आएगी पालने के लिए। पहले वो क्या हाल चाल है, फुल पावर, फुल पावर यूनिशिप आ गई आज बैसाखी के पावन दिन में। आज भाई मौसम भी बहुत प्यारा हो चुका है, बादल आ चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और भोकाल सा मौसम हो रखा है। और भाई रात में और पीछे मौसम ये तगड़ा सा हो रखा है, पूरे बादल आ रखे हैं, पावर फुल पावर बादल आ रखे हैं, ऐसा मौसम हो रहा है, कहना जिसे कहते हैं। तो भाई ठंडा भी होना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सही है आज बारिश वारिश हो जाए तो और मज़ा आ जाए, है ना। तो यही है सिस्टम। और बाकी टाइम लैप्स बनाया तो बेकार सा बना, मज़ा नहीं आया उसमें। चलो ठीक है, बाकी आपको जाते हैं, अब रूम जा रहे हैं, अंधेरा भी हो रहा है, तो रूम जाके आपको सीधे रूम जाके मिलते हैं। ओके फिर। रूम पे पहुंच चुके हैं और बाकी अभी बुक बुक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सीधे आपको मिलते कब, डिनर पे, डिनर पे जाके सीधे मिलो। ओके, डिनर तक इंतज़ार करो। ओके, डिनर में है आपका पुदीने की चटनी है और राजमा, कटहल की सब्जी, रोटी, पुलाव और ये बालूशाही मिठाई। तो यही चल रहा है सिस्टम। चलो डिनर करके अब सीधे आपको रूम पर मिलेंगे डिनर करके। लोगों के हाल चाल है, भोजन भोजन हो गया, भोजन करने के बाद गए थे हम क्या बोलते हैं टहलने, क्योंकि मौसम हुआ था मतलब एक नंबर जिसे कहते हैं, है ना, जिसे कहते हैं एक नंबर। आज बैसाखी के पावन दिन में भी बारिश हो गई है, है ना, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, नहीं तो इतनी राहत मिली जिसे कहते हैं गर्मी से राहत, तो ऐसा हो जाता था सिस्टम गर्मी से, क्या बताऊँ। बाकी बस अब मैं बैठा हूँ बुक पढ़ने, थोड़ी बुक अब जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, बीच में यार गैप हो जाता ना, कुछ गैप हो जाते तो फिर बुक रह जाती है, तो बुक ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी पढ़ के, फिर उसके बाद मुझे पढ़ना है दोबारा से एक बार रिच डैड एंड पुअर डैड, है ना। चलो ठीक है, जैसे भी आज की वीडियो लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, इन्जॉय करते रहो, मस्तियाँ करते रहो, बाकी नेचर को सेव करते रहो, इन्वायरमेंट क्लीन करते रहो एंड ट्रीज लगाते रहो। जय शंकर महाराज, पीस आउट।